सो हाय गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए यार नया सीरीज। इसका दोस्तों नाम होगा वीकली स्पोर्ट्स पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करेंगे पिछले हफ्ते दोस्तों स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे यार। तो चलो गाइस, इसका पहला एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस, न्यू सीरीज में आपका स्वागत है यार। जैसे आपने इंट्रो देखा होगा, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे ना, अगर आपको मैं थोड़ा हल्का सा एक बता दूं, तो देखो ये 20-25 मिनट का हम बात करेंगे जो अपना पिछले हफ्ते स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा चिल वे में करेंगे, फन वे में करेंगे, वो होपफुली आपको दोस्तों मजा आएगा। अच्छा लंबा रखेंगे इसमें वाला 20-25 मिनट, होपफुली आधा घंटा भी कभी हो जाए यार, कभी उससे थोड़ा कम हो जाए, बट एवरेजली मैं कोशिश करूंगा इसको मैं 20-25 मिनट का रखूं। ज्यादा जानबूझ के एक्सटेंड नहीं करूंगा, बट आई विल ट्राई किए 20-25 मिनट तक जाए, वरना 10-15 मिनट भी अगर हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यार दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं पिछले हफ्ते की, मैंने दोस्तों भी इतनी सारी चीजें लिख के रखी, छोटे छोटे जो पॉइंटर्स है दोस्तों वो मैंने लिख के रखे यार। तो दोस्तों इस हफ्ते में क्या क्या हुआ था, इस हफ्ते में अगर मैं बात करूं, हम शुरुआत करते हैं फुटबॉल से यार। तो फुटबॉल में हुआ था जो दुरन कप हुआ था यार, सबसे पहले दोस्तों बात उसकी करते हैं। दुरन कप 2022 हुआ था, उसकी पहले दोस्तों बात करते हैं। तो दुरन कप में हमारे 4 मैचेस थे, और 4 मैच में जो पहले 3 मैचेस थे यार वो मैंने देखे थे, और जो लास्ट का मैच था वो मैंने देख पाया था, राजस्थान यूनाइटेड वर्सेस जो अपना आई थिंक सो हैदराबाद का मैच था, हैदराबाद जीत चुकी है, वो वाला मैच नहीं देखा। उसके पहले वाला जो मैच है मुंबई ने जो जीता था 5-3 से एक्स्ट्रा टाइम में जाके, वो वाला एक अच्छा मैच था। बेंगलुरु वर्सेस उड़ीसा का मैच था मेरे ख्याल से, बेंगलुरु वर्सेस उड़ीसा का मैच था वो मैंने उसको देखा था, और वो भी बेंगलुरु ने उसको एक्स्ट्रा टाइम में विन किया था। तो हमको कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस देखने मिले यार, तो वो दोस्तों एक अच्छी बात है। फिर उससे पहले आई थिंक सो मैच हुआ था जो फुल टाइम में खत्म हुआ था, मोहम्मडन सिटी एफसी का मैच हुआ था, केरला ब्लास्टर की जो यंग टीम थी उसके सामने मैच हुआ था। मोहम्मडन ने भी भाई मुझे बहुत इंप्रेस किया है, और क्या पता दोस्तों इस बार वो फिर से फाइनल में आ जाए, अभी वो मुंबई सिटी एफसी के सामने फाइनल में आने वाले हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग फाइनल होने वाला है। और पहला मैच जीता था, पहला मैच मुझे खुद पता नहीं है, तो एक काम करते मैं विकीपीडिया ओपन कर लेता हूँ। और पहला मैच किसके साथ था यार, मैं याद यार पहला वही मैच था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ पहला मैच यही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी अंदर पहले मैच की बात करूँ तो पहला मैच किसका था यार, मैं भूल गया। ओके मोहम्मडन केरला ही पहला मैच था, ओके ठीक है, नहीं मोहम्मडन केरला नहीं, पहला मैच यहाँ पे पहला मैच, ओके पहला मैच मोहम्मडन यही था, मैंने बोला था आपको। सेकंड मैच ओडिशा और बेंगलुरु था, थर्ड मैच मुंबई सिटी चेन्नई था, और फोर्थ मैच दोस्तों हैदराबाद वर्सेस जो अपना राजस्थान यूनाइटेड है उसका वाला मैच था। तो अभी देखते हैं गाइस फाइनल होने वाला है मोहम्मडन वर्सेस मुंबई सिटी और बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद, आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा। सो होपफुली देखते हैं यार, मैं तो गाइस आई एम अ मुंबई फैन, तो मैं चाहूंगा कि मुंबई जीते। सेकंड मैच आई विल सपोर्ट हैदराबाद या फिर बेंगलुरु, कोई भी आए चलेगा यार, बट देखते हैं। मुंबई सिटी के लिए बिल्कुल भी आसान मैच होने नहीं वाला, देख शायद से एक्स्ट्रा टाइम वाले गाइस हमको दोनों सेमीफाइनल देखने मिल जाए, तो देखते हैं लेट्स सी, देखते क्या होता है, लेट्स सी, होपफुली यार मुंबई विंस, होपफुली मुंबई विंस। तो ये तो गाइस अपनी बात हो गई इसकी, पर जो मैच भाई बहुत ही बोरिंग मैच हुआ ये वाले हफ्ते में, मतलब फुटबॉल में यार, वो था अपना एएफसी कप का मैच अगेंस्ट कुआलालंपुर सिटी, आई थिंक उस टीम का नाम है कुआलालंपुर सिटी वर्सेस अपना एटीके मोहन बगान का मैच हुआ है। और एटीके मोहन बगान ने इतनी बॉल पोजीशन रखी यार, बट फिर भी चांसेस उनके बने ही नहीं है लिटरली यार, ना पहले हाफ में चांस बन पाए, कुछ लगा ही नहीं। जोनी को कोशिश कर रहा था, पर कभी रन थोड़ा पीछे रह रहा था, कभी बॉल उनकी आगे जा रही थी, उनको जो कॉर्नर्स मिले, कॉर्नर तो थर्ड क्लास कॉर्नर लिया यार लिस्टन गोलास ने, कहीं कुछ नहीं यार, मतलब बॉल पहुंच ही नहीं रही थी क्या वो, मतलब क्रॉस के बारे में अगर मैं बातें ना ही करूँ तो ही बेहतर होगा, एक आध अगर कोई क्रॉस मुझे याद आ रहा हो जो कि अच्छा था, वरना तो बाकी तो बहुत ही खराब कॉर्नर्स लिए थे यार वाले मैच के बारे में। एंड एडी की दिक्कत क्या ना यार, जो भी उन्होंने फ्रंट थ्री है ना यार, अगर वो चल गया तो भाई जो उसका कोच है क्या जॉन फर्नांडो का कोच है ना, तो भाई उसकी पूरी इंडिया में हो जाएगी वाह वाह, बिकॉज वो एज इंडियन पर्सपेक्टिव अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर दोस्तों वो नहीं चलाना यार, तो फिर दिक्कत होने वाली है, एंड दैट्स इशू। तो अभी उन्होंने कोई तो 6-6.5 करोड़ का कोई तो प्लेयर लिया है, वो सेंटर फॉरवर्ड है कि नहीं आई डोंट नो, मुझे जरा इस कमेंट में मुझे प्लीज बताना यार। एक तो उनका फॉरेन प्लेयर है, बिकॉज अभी उन्होंने ट्रांसफर मार्केट ने लिस्ट की थी ना, तो सबसे महंगे प्लेयर में आई थिंक तो एटीके मोहन बगान का ही प्लेयर था, नंबर 1 पे था वो, उसके बाद फ्लोरेंटिन पोगबा भी थे, मतलब सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू किसकी है, तो उसका 6.2 का सीआर वाला का जो प्लेयर था, तो मुझे बताना है वो कैम है या फिर वो सेंटर फॉरवर्ड है क्या है, जरा इस प्लेज में बता देना यार। और अगर दोस्तों सेंटर फॉरवर्ड उसका दोस्तों नहीं होने वाला ना यार, ये इसमें अगर सेंटर फॉरवर्ड डाल दो, गोल स्कोर अगर डाल दो ना यार, ये टीम फट करके ऊपर आ जाएगी। बट अगर दोस्तों ये अगर ये होती नहीं दोस्तों, इनमें कोई एक फॉरेन स्ट्राइकर नहीं होता ना यार, तो उसे फट करके नीचे भी आ जाएगी यार। तो दी नीड अ फॉरेन स्ट्राइकर, हमने दुरंत कप में भी देखा, इसमें भी देखा, तो देखते हैं होपफुली क्या होता है यार। अगर वो नहीं होगी तो गाइस मुझे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है टॉप, नहीं वो तीनों अच्छे कर सकते हैं, पर अगर एक फॉरन प्लेयर आ जाए ना यार, तो दोस्तों और अच्छा होगा, जो बाकी अपने विंगर्स होंगे वो और अच्छा करेंगे। मनवीर पे तो मुझे इतना भरोसा नहीं है यार। तो या तो आशिक कुरियन का गेम तो फिर भी ठीक था, और अपने जो लिशन को लेको तो फिर भी अपने जो एक अच्छे फॉरनर स्ट्राइकर के साथ अच्छा कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो देखो हमने फुटबॉल की थोड़ी बहुत बात कर ली, और क्या था पिछले हफ्ते नीरज चोपड़ा का मैच यार, पिछले हफ्ते नीरज चोपड़ा का मैच था, एंड नीरज चोपड़ा ने इस फिर से डायमंड लीग जीत ली यार, डायमंड लीग जीत लिया, ट्रॉफी वो लेके आ गया, 40 लाख रुपए भी दोस्तों वहां से वो लेके आ चुका, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड या ही इज विन यार। और मेरे ख्याल से अगर मैं प्लेयर तो एपिसोड की जो अगर बात करूँ यार, तो इसमें यही होगा, अभी मैंने पूरा देखा भी नहीं ऑफकोर्स है, नीरज चोपड़ा के अलावा मुझे लगता नहीं है, अगर इस एपिसोड का प्लेयर ऑफ द एपिसोड की बात करूँ तो वही होने वाला है। आप उसमें मुझे कमेंट में बता देना कि आपको क्या लगता है, और इसके ऊपर क्या ज्यादा बातें करो, इसके उसमें वीडियो भी बनाया दोस्तों आप देख सकते हैं, और मजा आया, मैं देखने तो नहीं मिला, पर हमने उसके समय वॉच अलॉन्ग किया था और हमने बहुत सारी बातें की थी यार।
एंड मजा आया वो बात करके दोस्तों, ठीक है। बिकॉज यही होता है, नीरज चोपड़ा के मैच में देखने तो कम मिलता है और हम बातें ज्यादा करते हैं यार। सो यार दोस्तों, तो ये एक बात हुई। और क्या हुआ था पिछले दिन, जैस्मिन का एक इवेंट आया जिसमें उसने 8.12 की जंप मारी थी यार, लॉन्ग जंप में। उसमें आई थिंक उन्होंने गोल्ड भी जीता था, जितना मैं अपने मैंने जो अपना ग्रुप था यार उसमें उन्होंने बताया था। सो आई डोंट नो 100%, बट या उसने भी कुछ विन किया था यार। मतलब विन नहीं किया था, मतलब विन किया था उसका, ये तो थोड़ा उसने जंप तो मारी थी 8.12 की, पर वो कोई कॉम्पिटिशन जीता या नहीं जीता मुझे इतना याद नहीं। अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मुझे भी उसके ऊपर कुछ मिला नहीं ऐसा सोर्स या फिर कुछ, पर अगर मिल जाएगा तो उसमें मैं चिपका दूंगा। तो यार दोस्तों, फिर अगर बात करूँ तो अपना नेटबॉल की एशियन चैंपियनशिप थी यार, जिसमें उसको अपने नेटबॉल में हमने 8 और 9 पोजीशन के उसमें हमारा मैच था, वो उसमें हम हार चुके हैं। 40 से इंडिया जीत चुके हैं 47-43 से। किसके सामने जीती है मैं वो भी देखना भूल गया, फिलीपींस था नहीं, इंडोनेशिया था मेरे ख्याल से, इतना मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी दोस्तों अभी आपको स्कोर आ रहा होगा, तो वो दोस्तों इंडिया मैच अपना जीत चुकी है और ऑफकोर्स इंडिया भी 8 नंबर पे फिनिश हो जाएगी। तो या और नेटबॉल चैंपियन जो श्रीलंका के ये वुमेंस टूर्नामेंट आया और उसको जीता श्रीलंका ने, तो श्रीलंका के लिए दोस्तों बहुत अच्छी है। पहले उन्होंने क्रिकेट की चैंपियनशिप जीती और दोस्तों ये जीत लिया है। सो एज अ कंट्री भाई उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा है यार, एज अ नेबर्स अच्छा लग रहा है। एंड होपफुली यार बट अभी वर्ल्ड कप हम जो क्रिकेट का होगा वो जीते, हमको भी अच्छा लगना चाहिए। तो यार दोस्तों तो देखते लाइक चाहिए। और एशिया कप में अगर मैं इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करूँ जो अपना क्रिकेट है उसकी अगर दोस्तों मैं बात ना करूँ तो ही बेहतर होगा। तो यार दोस्तों चलो ठीक है, ये तो ये बात हो गई। और क्या था अपना बास्केटबॉल था अंडर 18 के इसके मैचेस यार, वुमेंस के मैचेस थे। अभी आपके दोस्तों स्क्रीन के पे आ रहे होंगे, 116 से पहला मैच हमने हारा था, सेकंड मैच 47-69 से आ रहा था, ये मैं जो मैं ग्रुप मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं। और थर्ड मैच जितना मुझे याद आ रहा है न्यूजीलैंड से हमने हारा था 63-66 से। और जो अपना एक होता था रैंकिंग मैच होता है वो हमने हारा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 47-45 से। ये हम 5 पॉइंट से आगे चल रहे थे 43-45 पे, पर लास्ट सेकंड मैच दोस्तों हम हार गए 47-45 से टू इंडोनेशिया यार। ये 7-8 पोजीशन का मैच था, तो हम गए अभी फिनिश करेंगे यार 8 पोजीशन पे। तो यार भाई लोग तो देखते हैं अभी क्या होता है, लेट्स सी यार। अभी काम करता है जरा मैं जरा देखता तो किस किस के साथ हमने मैच आ रहा था। बास्केटबॉल इंडिया विल अपडेट, मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ बास्केटबॉल इंडिया ने ऑफकोर्स अपडेट किया होगा, होपफुली अभी मैं अगर मैं एडिटिंग में इसको ये कर दूंगा काट दूंगा और आपको कैसे इधर से दिखाऊंगा। इन्होंने अपडेट नहीं किया मेरे ख्याल से, दे डोंट अपडेट मेरे ख्याल से यार, इन्होंने अपडेट किया नहीं है। पर चलो ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा पिक्चर, तो वहाँ पे आप देख सकते हो यार। तो या गाइस, तो ये तो गाइस अपने बात हो गया इसके बारे में। अगर उसमें और अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो और अपना क्या चलता है, हाँ कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप थी यार, कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप, उसमें हमारे कैडेट थे और एक हमारी कैटेगरी थी जूनियर, उसमें दोस्तों हमने टोटल मिलाकर 3 मेडल जीते हमने। कैडेट मेंस में हमने जीता था 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड जीता है हमने, और ब्रॉन्ज में हमने जीता है, और उसमें वुमेन्स कैटेगरी में दोस्तों 1 ब्रॉन्ज जीता है। वो अगर मैं जूनियर की बात करूँ यार, तो उसमें हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल विन किया और दोनों दोस्तों जो वुमेन्स प्लेयर है उन्होंने विन किया। तो मैं आपको दोस्तों स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स आ दूंगी। और ये दोस्तों मैंने नहीं देखा, मैंने बास्केटबॉल भी नहीं देखा था, नेटबॉल भी मैंने नहीं देखा था अनफॉर्चुनेटली। बास्केटबॉल मुझे यार वही क्वालिटी का डिफरेंस हो जाता है ना, बट हाँ मैं अभी जब समय मिलता है दोस्तों तो मैं बीच बीच में थोड़े बहुत जो क्लिप्स होते हैं वो मैं जरूर देखते रहता हूँ यार। क्लिप्स मतलब वो जो लाइव मैच होता है उसका मैं अंदर जाके मैं देखते रहता हूँ जब मुझे समय मिलता है, और जब मिलेगा तो मैं पक्का देख लूंगा। तो यार दोस्तों आप भी जरूर देखना, सारे लिंक्स मैं आपको होपफुली नीचे दे दूंगा, यूट्यूब पे वो बास्केटबॉल का लाइव आ रहा था। तो यार दोस्तों और मेरे ख्याल से यही है, और क्या बचा है या मेरे ख्याल से होपफुली हाँ टीटी का कुछ तो था, टीटी का बट मुझे कुछ मिला नहीं यार। टीटी का कुछ तो था, एक काम करता हूँ मैं शेयर करता हूँ, टीटी कुछ तो था, टीटी में कुछ तो था। और रेसलिंग भी अभी चल रहा है, अपना रेसलिंग भी चल रहा है। हाँ रेसलिंग के अगर बारे में आपको बताऊँ यार, तो नथिंग सो फार, अभी आज तक मैं जो शूट कर रहा हूँ 13 तारीख को शाम को 5 बजे में शूट कर रहा हूँ, और तब तक तो गाइस कुछ भी अभी तक आया नहीं यार। विनेश फोगाट हार गई है, विनेश फोगाट अपना फर्स्ट राउंड में मैच हार गई है, कोई भी अपने मेडल जीता नहीं है। रैपिचाज में क्या सुषमा शौकीन अपना मतलब क्या रैपिचाज के सेकंड राउंड में थी, अगर वो जीती तो वो ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए खेलती यार, पर वो भी वो मैच हार गई है बाय बाय पिनफॉल। वो आगे चल रही थी यार 8-4 से, बट आखिरी मोमेंट में वो हो गई पिनफॉल एंड हो गया उसका, अपना इंडिया खत्म हो गया। उल्टा तो भाई ग्रीको रोमन में हमने अच्छा किया, मेंस के ग्रीको रोमन में यार थोड़े लंबे लंबे तो हम थोड़े आगे आगे राउंड तक पहुंच रहे थे, बट वुमेंस रेसलिंग से अभी हमको कुछ देखने मिला नहीं है 13 तारीख को। 14 तारीख अभी कल भी अपना वुमेंस रेसलिंग होगा, और 15 से अपना मेंस का फ्री स्टाइल शुरू होने वाला है, तो उसमें हम रवि दहिया बजरंग पुनिया से, अब मैं उम्मीद की तो मैं उम्मीद तो है बट मैं फिर बोलता हूँ यार उम्मीद मत रखो, लेस उम्मीद कम रखो तो आपको आगे आके हैप्पीनेस ज्यादा मिलेगी, ऐसा मेरा दोस्तों स्पोर्ट्स का फंडा है। तो देखते क्या होता है, तो ये मैंने रेसलिंग के बारे में आपको बता दिया। तो लगभग दोस्तों सारी चीजें हो चुकी यार, अभी अपना दुरंत कप का सेमीफाइनल्स कब यार, इन्होंने डेट सब तक बताया नहीं है, आई डोंट नो से सेमीफाइनल्स कब होने, मुझे डेट पता नहीं है। फाइनल्स का 11 तारीख को
लिखा है नहीं इसका क्या पता, इसका डेट सब तक कुछ नहीं दिया यार। तो यार चांगते के दोस्तों इसमें दुरंत कप में 7 गोल है, ग्रेट स्वेट के 6 गोल है भाई साहब, दोनों मुंबई वाले ऊपर है। ये मैं क्यों ऐसा बीच में बोला आई डोंट नो, बट यार मुंबई के लिए है इसलिए मैंने बोला, बिकॉज मुंबई इज ट्रू लव दोस्तों। तो बस अभी यार यही है, और क्या है, और कुछ हुआ है क्या, और मुझे याद नहीं आ रहा और कुछ हुआ है इस हफ्ते में, और कुछ नहीं। वहां जो मैं इसकी बता रहा था, जो अपना ये था ना टीटी, वो आपको मैं बताने वाला था आपको, जरा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यार। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मतलब ना मैं बिल्कुल भी स्टैमर नहीं किया, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट बनने का मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछना था, बट आपको मैं इसके बाद पूछूंगा, स्पोर्ट्स ये ना अरीना के बाद आपको वो दिखाऊंगा, होपफुली तो स्क्रीन अभी शेयर हो रही होगी, होपफुली या हाँ इसका दोस्तों मैं बताने भूल गया, तुमने क्या उसको बोलते हैं यार टेनिस, उसने हमारी करमन कौर दिया यार, करमन कौर ठंडी, उसने उसको अपना वर्ल्ड रैंक 11 दो 111 वाली प्लेयर है, उसको उसने उसको हरा दिया यार। तो वो एक अच्छी बात है, उसको वाइल्ड कार्ड ऐसा एंट्री मिली थी एंड उसने उसने अपना पहला राउंड जीत लिया है। सेकंड राउंड उसको भी उसका आज होने वाला है इसका, आई थिंक तो इफ एम नहीं, सेकंड राउंड उसका भी आज होने वाला है, नहीं सेकंड मैच जो अपना सेकंड राउंड बोल रहा है मैं, सेकंड मैच इंडिया का जो उसमें होने वाली अंकिता रायना, उसका उसका मैच आज होने वाला है शाम को 7 बजे, मतलब मैं अभी आपका हो चुका होगा रिजल्ट, आई थिंक उसका हो चुका होगा तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा होपफुली, अगर मुझे कहीं मिल गया तो अभी आपके दोस्तों में स्क्रीन के ऊपर चिपका दूंगा। तो या 7 बजे वो खेलने वाली अंकिता रायना, लेट्स होप देखते कैसा करती है। तो या तो ये तो कैसे इसकी बात हो गई, और क्या था हाँ आपको मैं बताना था टीटी के बारे में, टीटी में क्या हुआ, टीटी का अपडेट यार ये देखो ये यूट ये तो ये था ये करमन थंडी वाला, ये नेट वाला तो चाइनीज स्ट्रेटर ये चाइनीज टाइप है उसे मारे थे। तो यार अभी आपको पहले एडिट में दिख ही रहा होगा, एक काम करता हूँ अभी मैं रुकता हूँ, अभी जब मैं टीटी की तरफ जाऊंगा सीधा आपको वापस करता हूँ। सो या गाइस तो ये था यार अपना टीटी का इवेंट, WTT मस्कट ओपन था मेरे ख्याल से, तो इधर इसके टैग के तरह ये करता है, इन्होंने क्या हुआ था इन मेन ड्रॉ में हरमीत था वो मैन सिंगल्स में, और कोई जीत नहीं पाया मेरे ख्याल से, कुछ जीत नहीं पाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने कुछ ज्यादा खास अपडेट किया है क्या, ये 6 तारीख को था तो कुछ अभी इन्होंने अपडेट किया नहीं मेरे ख्याल से, अगर मैं इसके इधर चलूँ तो नो कुछ अपडेट किया क्या उन्होंने आफ्टर मनिका ग्रेट विनो के उसने वे जीत लिया था, कुछ उन्होंने आगे अपडेट नहीं किया यार, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या क्या हो जरा मुझे बताओ यार, हरमीत क्वालिफाई फॉर द मेन ड्रॉ, ये मैंने देख लिया था, मानव अपना पहले लॉस हो गया, तो ये मेन ड्रॉ का दोस्तों क्या सीन हुआ यार, मेन ड्रॉ का क्या सीन हुआ जरा इसमें प्लीज जरा मुझे बता दो यार, व्हाट इज द थिंग यार। तो गाइस मुझे जरा बता दो इसका क्या है, मस्कट ओपन का इन्होंने कुछ अच्छे से अपडेट किया भी होगा, तो गाइस ये 6 तारीख की अपडेट है, तो यार ये ट्विटर सबसे वर्स्ट चीज है, इंस्टाग्राम में कैसा होता है कि लाइन से पोस्ट होता है 15 तारीख का पहले आता है, फिर उसके बाद लाइन से पोस्ट आता है, इसमें कुछ भी आता है यार, कभी 5 तारीख का आएगा, कभी 10 तारीख का आएगा, ट्विटर इज अ फालतू ऐप है मेरे ख्याल से, सॉरी जिनको अच्छा लगता है ट्विटर, बट मुझे तो गाइस बिल्कुल भी यूज करने आता नहीं है। तो बस गाइस अभी मेरे ख्याल से इधर रहते हैं, और एक इंटरेस्टिंग सवाल दोस्तों आपसे पूछा था कि वीकली कौन प्लेयर है वो जरा बता दो, कि प्लेयर ऑफ द वीक आपको दोस्तों कौन लगता है, मेरे ख्याल से नीरज चोपड़ा है, और आई थिंक आपको आप भी उसको ही वोट दोगे बिकॉज उसने विन किया है, तो ऑफकोर्स वही होगा, वो तो एक चीज हो गई। सेकंड चीज यार इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा हंसोगे मुश्किल ऊपर यार, अब जो एलिजाबेथ ऑफ हुई है, जो बेचारी अभी जा चुकी है, होपफुली मे ही सोल रेस्ट इन पीस, वो कौन थी यार, वो कौन थी, वो क्या करती थी जरा मुझे प्लीज बताओ यार, क्या वो रूलर थी, ये क्या उसका क्या काम क्या था उसका, जो उसको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, प्रीमियर लीग के गेम रुके पड़े हैं, तो प्लीज मेरे भाई प्लीज जरा यार प्लीज मुझे जरा बताओ यार। तो यार गाइस तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी हो ही रखा था यार कि भाई जरा कोई बताओ क्या हुआ है, पर किसी ने बताया नहीं मेरे को, तो गाइस आप तो मुझे बता दो, हो मुझे पता नहीं अभी लास्ट तक कौन देखने वाला है, पर जो गाइस देख रहा है प्लीज कमेंट करो। तो यार ये चीज हो गई। हाँ आज बायर्न वर्सेस बार्सा का मैच होने वाला है दोस्तों, तो उसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। और हाँ इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम आ चुकी है, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर सामने आ रही होगी, या इंडिया की वर्ल्ड कप टीम अश्विन क्यों है कि जगह रवि बिश्नोई होना चाहिए था, बट ठीक है चलो देखते हैं। ऋषभ पंत भाई नहीं होना चाहिए था, अश्विन वाला फिर भी मैं ठीक ठाक बोलूंगा, ऋषभ पंत इज अ वेरी वेरी मच ब्लंडर, बट होपफुली यार अभी जो भी हो ऋषभ पंत चले यार, बट देखते क्या होता है। ऋषभ पंत। तो इसी के साथ दोस्तों अभी इसी को एंड करते यार, एंड कैसा लगा सबको न्यू यार अपना पॉडकास्ट, और ये सर रॉ होने वाला यार, ज्यादा कुछ ये नहीं आप एक्सपेक्ट मत करो इससे, तो यार ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना ही हटा रहा हूँ, एक सेकंड स्टॉप सीन कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा बिग पिक्चर में अपने आपको दिखा रहा हूँ यार। तो चलो गाइस अभी आज के लिए इतना रखते यार, अगर आपको उसे ये अपना नया पॉडकास्ट टाइप अच्छा लगा तो गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते के मंगलवार को उसे मैं लेके आऊंगा, तब के भाई साहब पीस आउट।